हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस जीएसटी के किए हैं वो सारे के सारे जर्नल एंट्री बेस्ड हैं। आज हम एक ऐसा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें कि आपको कैशबुक बनाना है। ठीक है, मतलब अभी तक हमने कैशबुक ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, मगर उसमें जीएसटी के ट्रांजेक्शन नहीं थे, इसके अंदर जीएसटी के ट्रांजेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ सुमंतो कोची इन अ टू कॉलम कैश बुक एंड द बैलेंस द बुक ऑन 31 जैन 2020। ठीक है, देखो एक बात बड़ी सिंपल सी है कि आपका जो कैश बुक बनेगा वो सेम बनेगा, फॉर्मेट जो है वो सेम रहेगा। टू कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है, डेट पर्टिकुलर्स एल एफ कैश बैंक, बराबर है, वो ही फॉर्मेट रहेगा। तो बस वैसा ही आप फटाफट फॉर्मेट बना लीजिए और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हम कैशबुक के कंसेप्ट को फिर से डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे केवल और केवल IGST, CGST, SGST ये सब की रिकॉर्डिंग हमको करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो ये मैंने फॉर्मेट बना लिया है। ठीक है, अभी क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आ जाइए 1 जनवरी को हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, बैलेंस दिया हुआ है, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। तो फटाफट हम बस पोस्टिंग करते जाते हैं कैशबुक के अंदर। तो यहाँ पे 1 जैन, ठीक है, क्या लिखते हैं बताइए, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, बराबर है, अमाउंट कितना है ये, 1000 कैश है और 14500 बैंक है, 1000 कैश है 14500 बैंक है, बराबर है ना। ये सारी चीजें आपको मालूम है, याद है अच्छे से, है ना। नहीं है तो एक बार पहले कैशबुक देख लो आप, उसके बाद देखिए, क्योंकि हमारा फोकस यहाँ पे कैशबुक नहीं रहेगा, हमारा फोकस है जीएसटी, रिसीव्ड एडवांस बाय चेक, हमको चेक मिला है एडवांस में। ठीक है, तो आपको याद होगा कि हमको ये देखना पड़ता है कि वो चेक जो है वो आपने आगे चल के डिपॉजिट किया है कि नहीं किया है। यदि आगे चल के डिपॉजिट नहीं किया तो हम ये मानते हैं कि हमने उसको सेम डे डिपॉजिट कर दिया होगा, क्योंकि डिपेंड करता है ना, अगर मिला है डिपॉजिट नहीं किया है तो फिर चेक इन हैंड में आएगा, डिपॉजिट कर दिया है तो बैंक में आएगा, बराबर है। तो बस वो आपको ध्यान रखना है। तो चलो 1 जनवरी, यहाँ पे 1 जनवरी, अब पहले आप देख लो यहाँ पे रिसीव्ड एडवांस बाय चेक, वो चेक आगे जमा किया है क्या, नहीं कहीं आगे जमा नहीं हुआ है, तो हम मानेंगे कि हमने इसको 1 जनवरी को डिपॉजिट कर दिया होगा। ठीक है, तो मैं बैंक कॉलम में लिख देता हूं 60,000, किससे मिला है ये कुछ इन्होंने लिखा नहीं है, वैसे लिखना चाहिए मगर नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं है, हम यहां पे लिखेंगे टू एडवांस। ठीक है, चल दिस इज डन। विड्रू फ्रॉम बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री कुछ याद आ रहा है क्या, कॉन्ट्रा एंट्री पढ़ा है हमने, हाँ, तो बैंक से पैसे जा रहे हैं, कैश आ रहा है, तो 2 जनवरी को हमारे पास कैश आ रहा है, कितना अमाउंट है देख लो, 10,000, तो ये 10,000 हमारे पास आ रहा है और बैंक से, एक सेकंड, सेकेंड जैन, और यहाँ पे बैंक से जा रहा है, तो ये लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैंक, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाय कैश, और ये क्या करते हैं हम, ये कैपिटल सी। ठीक है, याद दिला देता हूँ एक बार, हालांकि कॉन्ट्रा एंट्री किसको कहते हैं, ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें एक तरफ बैंक दूसरी तरफ कैश है, एक तरफ बैंक दूसरी तरफ कैश, एक तरफ कैश दूसरी तरफ बैंक, तो ये क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है। तो आप देख सकते हैं, है ना, तो कैश बिजनेस में आ रहा है और बैंक से जा रहा है, तो यहाँ पे हमने इसलिए ऐसा किया है। उसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम अमित 13,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच एंड पेड बाय चेक। ठीक है, तो 13,000 के गुड्स खरीदे तो ये आ गया परचेजेस में, और 6% CGST एंड SGST, तो 13,000 का 6% हो जाएगा 780, और ये भी 780, चलिए टोटल कर लेते हैं, ये हो जाता है 1,450। ठीक है,
तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? आपके पास से गुड्स, आपके पास गुड्स आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं? बैंक से जा रहे हैं, क्योंकि आपने चेक से पेमेंट किया है। तो यहाँ पे 3rd of Jan क्या लिखेंगे? बाय, आपको पूरा बताना पड़ेगा। सही अकाउंटिंग किसको कहते हैं? जिसमें क्लैरिटी हो। तो यहाँ पे बाय परचेजेस भी है, बाय इनपुट CGST है, बाय इनपुट SGST है। क्लैरिटी होनी चाहिए। कितने के गुड्स खरीदे? ये बैंक से खरीदे हैं ना, 13,000 के, ये 780, ये 780, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका डन। पेड वेजेस 2500, कुछ नहीं लिखा है, चेक से कैश से, तो क्या मानते हैं? कैश से। चलो 4th of Jan यहाँ पे बाय वेजेस कितना? 2500, ठीक है। रिसीव फ्रॉम मोहन अ चेक फॉर 9800 अगेंस्ट ड्यूज ऑफ 25,000 ऑन अकाउंट। लेना 25,000 था, मगर उसने केवल 9800 दिया है, कोई सेटलमेंट नहीं हुआ है, सिंपली 9800 मिला है, ठीक है। हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये चेक सेम डे डिपॉजिट हुआ है कि आगे चल के डिपॉजिट हुआ है। तो आगे देख लेते हैं, ये मिल गया यहाँ पे, 8 जनवरी को लिखा है ना, मोहन चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। तो ये जो एंट्री हुई है, आपको याद होगा जब हमने कैशबुक पढ़ा था, तो यदि चेक मिला है और हमने डिपॉजिट नहीं किया है, तो उसे बैंक कॉलम में ना नहीं लिखते हैं और ना ही कैश कॉलम में लिखते हैं। कहाँ लिखा जाता है? उसे अलग से रिकॉर्ड करते हैं, चेक इन हैंड। मतलब अगर मैं उसकी जनरल एंट्री करनी हो तो हम लिखेंगे चेक इन हैंड, ठीक है, टू मोहन, बराबर है। तो इसकी हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। अगली जो 8 जनवरी को एंट्री हो रही है, जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, मोहन का चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, हाँ इसे डेफिनेटली हम रिकॉर्ड करेंगे, है ना। तो हमारे बैंक में पैसे आ रहे हैं, कितने? 9800। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 8 जनवरी को हमारे बैंक में पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? चेक इन हैंड। कितने पैसे आ रहे हैं? हमारे पास आ रहे हैं 9800। तो ये मैंने बैंक कॉलम में लिख दिया 9800, ठीक है, सिंपल है। चलो ये भी हो गया। अब स्टेशनरी खरीद रहे हैं 1500 की, जिस पे CGST और SGST 6% ईच देना है। तो 1500 का 6% होता है 90, फिर से 90, ये हो जाता है 1680, ठीक है। तो 14th जनवरी को आप पेमेंट कर रहे हैं बाय स्टेशनरी, बाय बोलो क्या, इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST, ठीक है। अब आप पेमेंट कैसे कर रहे हैं? कैश में कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे पहले, सबसे पहले 1500 ये लिखा, फिर 90 और फिर 90, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। अब आइए 16th जनवरी को, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, बहुत अच्छे से, क्या कर रहे हैं? हमने गुड्स खरीदे जिसमें GST इंक्लूड है, ये जो आप देख रहे हैं ना 6720, इसमें GST इंक्लूड है। तो हम मान लेते हैं परचेस को ले लेते हैं X, और उसी में हमने 12% जोड़ा, तो आ जाता है 6720। एक्स क्या है बताओ? एक्स है परचेस, और ये क्या है? GST। ये GST जोड़ने के बाद आ गया कितना? 6720। अब बस आपको क्या करना है, 100x प्लस 12x, बेटा आदत डाल लो इस तरह के इक्वेशन बनाने की, प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, इज इक्वल टू 6720 इंटू 100। एक्स इज इक्वल टू 6720 इंटू 100 अपॉन 112, ठीक है।
तो 6720 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 112, ये आ जाता है 6000। तो 6000 आ गया आपका एक्स, एक्स इज इक्वल टू 6000, दैट इज व्हाट परचेज। और जीएसटी, बाकी बचा जीएसटी कितना, 6720 टोटल है तो 720 हो गया आपका जीएसटी। हाँ आया ना, अगर करके देखना है तो 12% करके देख लो, 6000 इंटू 12% तो कितना आएगा, 720 तो आएगा ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6720। तो अभी मैं क्या करूं मेरे को बताइए आप, ये आपके पास से पैसे जा रहे हैं, कैश में जा रहे हैं, हाँ कैश में जा रहे हैं। तो 16 जनवरी को हम एक एंट्री पास करेंगे, ये 16 जनवरी बाय क्या लिखेंगे बोलो, परचेजेस, और क्या लिखेंगे बाय इनपुट IGST, कैश है तो 6000 ये और 720 ये, ठीक है, कोई दिक्कत, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है भाई। चलो उसके बाद है इशूड चेक टू श्याम, श्याम को हमने 19 तारीख को चेक दिया है 3700 का, 19th of Jan को हमने बाय श्याम को चेक दिया 3700, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ड्यू फ्रॉम बैंक, चलो अभी ये ड्यू फ्रॉम बैंक मतलब अगेन इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री, कैश आ रहा है बैंक में से जा रहा है, ठीक है ना। तो अभी 20 जनवरी की बात है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 20 जनवरी यहाँ पे भी लिखा, 20 जनवरी यहाँ पे भी लिखा, बैंक से पैसे निकाल रहे हैं मतलब कैश आ रहा है, कितना अमाउंट है देखो जरा, 3000, ठीक है ना। तो ये 3000 कैश आ रहा है और बैंक से जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे टू बैंक और ये कैपिटल सी, यहाँ पे बाय कैश कैपिटल सी, ठीक है ना। चलो कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बेटा पर्सनल यूज की एंट्री क्या होती है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक से जा रहा है तो बैंक, यहाँ पे ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो 22 जनवरी को बाय ड्रॉइंग्स, ठीक है, बाय ड्रॉइंग्स, बाय ड्रॉइंग्स हो जाएगा कितना 2000, तो ये 2000, ठीक है। कैश सेल है इंक्लूडिंग CGST एंड SGST 6% ईच, ये इंक्लूडिंग है बेटा, अगेन अगेन अगेन, तो आप सेल प्राइस प्लस जीएसटी इज इक्वल टू 1904, 6-6% मतलब 12% मैं सीधा सीधा ले लेता हूँ यहाँ पे, तो 19 सॉरी एक्स प्लस एक्स इंटू 12/100 इज इक्वल टू 1904, अगेन वैसे ही हो जाएगा 112x इज इक्वल टू 1904 इंटू 100, है ना, x इज इक्वल टू 1904 इंटू 100 अपॉन 112, तो 1904 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 112, तो ये आ जाता है 1700, तो 1700 ये हो गया और बाकी 204 रुपये, 204 रुपये हो गया जीएसटी, जिसमें से 102 सीजीएसटी है, 102 एसजीएसटी है, ये सीजीएसटी, ये एसजीएसटी और ये सेल, तो टोटल अमाउंट हो गया 1904, क्लियर है। ये इक्वेशन बेटा बनाते आना चाहिए आपको, बार बार हम बना रहे हैं वो इक्वेशन, ठीक है। तो ये है 24 जैन, ये हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो 24 जैन, ठीक है, क्या लिखेंगे बोलो, टू सेल्स बोलो टू आउटपुट CGS टी और टू आउटपुट SGST, ठीक है, अमाउंट है 1904 टोटल हो रहा है ना, और ये 1700, 102 102, और कैश में आ रहा है क्या, हाँ कैश में है 1700, 102
2102, क्लियर है। रिसीव फ्रॉम राकेश 18,000 डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड तो रिकॉर्ड होगा नहीं कैश बुक में, है ना। हाँ, बाकी हम हमारे पास 18,000 आ रहे हैं उसे डेफिनेटली हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे 27 जैन को मैं लिखूंगा टू राकेश, ठीक है। कैश मिला है, हाँ बिल्कुल कैश मिला है, क्योंकि चेक होता तो लिखा रहता। तो 18,000 ये कैश लिख दिया हमने। उसके बाद डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, अगेन कॉन्ट्रा एंट्री, अभी बैंक में पैसे आ रहे हैं और कैश जा रहा है, ठीक है। कितना है 15,000 बैंक में आ रहे हैं, कैश जा रहा है, ध्यान रखना। तो 28 जैन यहाँ पे भी लिखा और 28 जैन यहाँ पे भी लिखा, ठीक है। बैंक में आ रहे हैं 15,000 और कैश 15,000 जा रहा है, तो यहाँ पे बैंक में आ रहा है तो लिखेंगे टू कैश विद कैपिटल सी, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक कैपिटल सी, ठीक है। ठीक है, अभी इशूड चेक फॉर कैश परचेजेस इंक्लूडिंग IGST 12%, ठीक है। तो ये 2240 जो दिख रहा है आपको, ये इंक्लूडिंग है ना, ये आपका इंक्लूडिंग है, जैसे हमारे बात कर रहे हैं वैसे ही करना है, ठीक है ना। तो ये परचेजेस है, तो हम क्या लिखेंगे, परचेजेस प्लस GST इज इक्वल टू 2240, एक्स प्लस एक्स इंटू 12/100 इज इक्वल टू 2240। तो फिर अगेन 112x इज इक्वल टू 2240 × 100, एक्स इज इक्वल टू 2240 × 100 अपॉन 112, तो हो जाएगा 2000, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2000 हो गया, क्या ये हो गया आपका परचेस, और उसी का 12%, दैट इज 240 हो गया आपका IGST, ये आपने परचेज किया है, ठीक है ना। 28 जैन, तो ये 28 जैन बाय बोलो क्या, परचेजेस, फिर बाय इनपुट IGST है, ठीक है, इनपुट IGST कितना अमाउंट है, ये आपका हो गया, ध्यान देना, ये 2000 और ये 240, ठीक है। फिर है पेड रेंट, 2000 रुपए का चेक से पेमेंट किया है प्लस GST है, ठीक है। तो 2000 का 6% होगा 120, CGST हो जाएगा वन, और 120 आपका SGST हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 30 जनवरी को बाय रेंट, ठीक है ना, और यहाँ पे बाय इनपुट CGST और बाय इनपुट SGST, ठीक है। चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो ये 2000, ये 120 और ये 120, ठीक है, क्लियर है, हो गया। अब क्या करना है, केवल और केवल बैलेंसिंग करनी और कुछ नहीं करना है। तो जैसा कि हमको मालूम है कि कैश का डेबिट साइड हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो पहले हम कैश देख लेते हैं, तो सबसे पहले मैं कैश का डेबिट साइड का टोटल देखता हूं, तो ये आ रहा है 3,3904, है ना, तो मैं इधर भी लिख सकता हूँ 3,3904। उसी प्रकार से बैंक का भी जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि 60,000 हमारे पास एडवांस आया था, तो मेरे को लग रहा है कि इसका भी हमें डेबिट साइड का टोटल दोनों तरफ लिख लेना चाहिए। तो ये हो जाता है 99,300, ठीक है ना, इधर भी मैंने लिख दिया 99,300। अब हम यहाँ पे डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं और बैलेंसिंग कर लेते हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। तो
ये आ रहा है 8004, ठीक है। और इधर भी देख लेते हैं, ये आ रहा है 6150, ठीक है। समझ में आया किस तरह से करना है? अगर आपके स्कूल में बोला गया है कि आपको जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। जो जैसे डिस्काउंट हो गया, उसकी आप जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। जो चेक इन हैंड मिला है, उसकी जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। इन केस आपके स्कूल में बोला जाता है, हालांकि क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं बोला गया है, ठीक है। तो चलो यहीं पे मैं खत्म करता हूँ, फिर मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। बाय बाय।